हाँ, आज हमारे यहाँ श्री ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स है, जो गंगा चरण हॉस्पिटल्स और गंगा शील हॉस्पिटल के जो ओनर हैं डॉक्टर निशान सर, उन्होंने यहाँ पर शील क्लासेस नीट एंड आई टी एंड्स के लिए खोले हैं। जो बच्चे जिस कंपटीशन की तैयारी के लिए हमारे बरेली के बच्चे वहाँ जाते थे, कोटा जाते थे, आकाश में दिल्ली जाते थे, तो उन्होंने ये महसूस किया कि जब ये कोरोना काल आया तो उसमें बच्चों के तीन तीन ढाई ढाई लाख के पैकेज सब बर्बाद हो गए और दो साल बच्चों का बर्बाद हुआ। वहाँ कोई पढ़ाई नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई बच्चे कर नहीं पाते हैं, सक्सेस नहीं है। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को महसूस किया कि हम जो फैसिलिटी, जो फैकल्टी कोटा में है, आकाश दिल्ली में है या लखनऊ में है, क्यों ना हम यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी, वो फैसिलिटी अपने बरेली बच्चों को यहाँ मुहैया कराएं। तो गंगा चरण हॉस्पिटल के पीछे ही एक बहुत बड़ा कैंपस है, वहाँ उन्होंने स्टार्ट किया है शील क्लासेस नाम से एक कोचिंग है। वहाँ पर डायरेक्टर हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ सर, वो यहाँ के डॉक्टर हैं, और डॉक्टर ये जो एचआरओ हैं शिप श्रीवास्तव, वो दोनों यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। क्योंकि इस्लामिया में बच्चियाँ बहुत टैलेंटेड हैं, और जो हमारा साइंस ग्रुप है बायो एंड मैथ्स का, हालांकि बच्चियां बहुत गरीब हैं और बहुत ज़्यादा इनके बच्चों के पास फैसिलिटीज़ नहीं है, इकोनॉमिकली इनके पेरेंट्स बहुत वीक हैं, लेकिन एक जोश, एक जज्बा और कुछ बनने की इन लोगों को तमन्ना है। तो कम से कम फीस में ये शील ग्रुप से मैंने बात की, उनके यहाँ पर डायरेक्टर आए हुए हैं क्लासेस के, तो उन्होंने यहाँ की बच्चियों के टैलेंट को परखा और ये वायदा किया है कि अगर आपकी बच्चियाँ चाहती हैं इंजीनियर और डॉक्टर बनना, मेहनती हैं, टैलेंटेड हैं, तो हम बहुत मिनिमम फीस पर इनको एक हायर क्लासेस, अच्छी फैसिलिटी नीट की, आई टी एंड की मुहैया कराएंगे, और इंशाल्लाह ये बच्चे फ्यूचर के इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर सैयद अब्दुल हफीज़ है, मैं शील क्लासेस में एज ए डायरेक्टर हूँ। आज इस्लामिक गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं के बीच बातचीत हुई, किस विषय को लेकर? ये मेन में हमारा जो विषय है, हम एक टेस्ट यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं जिसका नाम डॉक्टर APJ कलाम टैलेंट सर्च एग्ज़ाम है। ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आएंगे उनको हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज़ देंगे। और इस प्राइज़ में, इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो हुनरमंद बच्चे हैं उनकी पहचान होगी और शील क्लासेस इन बच्चों को जो भी सपोर्ट हो सकती है वो देगी। इन छात्रों के बीच विद्वानों के बारे में भी बातचीत की गई जी। हमारे साथ जो हमारे बात हमने अभी की है वो हमने डॉक्टर APJ कलाम के बारे में बात की, जो उन्होंने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनके बारे में बात की, और दूसरी चीज़ें हमने बातें की कि हमारे यहाँ जो शील क्लासेस में जो उस्ताद हैं वो हिंदुस्तान के बेहतरीन उस्ताद में से हैं, और ये इनका नाम वो या तो IIT से आए हैं या JNU से आए हैं, और जो अपने अपने सब्जेक्ट के महारत हासिल किया हुआ है, और जिन्होंने मेडिकल और इंट्रेंस IIT के इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, और हिंदुस्तान में इनका काफ़ी अहम मुकाम है। और मैं चाहता हूं कि बरेली के बच्चे, ख़ास करके जो बरेली में जो मुकीम बच्चे हैं और जो ख़ास करके लड़कियाँ हैं, उन बच्चे वो हमारे यहाँ शील क्लासेस में आएँ और इसकी फ़ायदा लें। ये एक हमारा मेन मुहिम है जिसके वजह से मैं यहाँ पर शील जो इस्लामिया गर्ल्स स्कूल में आए हैं, इसकी मेन वजह ये है। मेरे लिए इसके लिए मेरे ख्याल से सबसे इसके लिए मेरे ख्याल से हमारे पास मैं छात्राओं के लिए जो ज़रूरी होगी उसमें जो हमारे जो मैनेजमेंट है उसमें जो सपोर्ट दे सकती है, वो अगर वो उनमें बच्चों में काबिलियत है और अगर उस बच्चों में अगर वो बच्चों में अगर उसमें इरादा पक्का है तो हमारी मैनेजमेंट जो है उस पर डिसाइड करेगी, और उस पर एक टेस्ट ऑर्गेनाइज होती है हम लोग के यहाँ, उस टेस्ट के बेसिस पर हम देखते हैं परफॉर्मेंस के बेसिस पर कि उसको हम लोग कहाँ तक किस तरह का सपोर्ट दे सकते हैं।